उस टाइम हम उबर बहुत चला रहे थे। और उसके बाद फिर मेरी उबर की आईडी दोस्तों हैक हो गई, और उसके बाद फिर हम उबर के कोई भी कस्टमर नहीं काट पाए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख आज अपनी 21 जुलाई 2023, और समय हो रहा है मेरे भाई सुबह के 8:44, मतलब के 9 बजने वाले हैं। और दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूँ। निकल कहाँ के लिए चुका हूँ, बात ये थी दोस्तों कि आपको याद होगा जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि एक राइड थी मेरे पास, लेकिन भैया की ना फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो राइड कंफर्म हो नहीं पाई थी। ठीक है, तो वो राइड जो है ना वो दोस्तों आज कंफर्म हुई है। तो भैया का ना फोन आया था रात में, तो भैया ने बोला यार ऋषि कल सुबह चलना है, क्योंकि फ्लाइट जो थी वो आज कैंसिल हो ही गई थी, तो कल सुबह की जो है कंफर्म है, तो कल इस वजह से जा नहीं पाए थे, तो आज वो कंफर्म है। तो बाबा आज हम जा रहे हैं अभी उनके पास। उन्होंने तो भाई 8:30 पे बुलाया था, लेकिन यार हमको थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि हम उठे ही 8 बजे, है ना भाई। तो खैर कोई नहीं, ये सब तो राज का आज ही चलता रहता है, ऊपर नीचे टाइम तो हो ही जाता है यार, हर किसी को पता चला हम पहुंच जाते, हो सकता है उनको लेट हो जाता। ठीक है, तो ये था। अभी तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं भैया के पास में, ठीक है, और उनको लेके ना लखनऊ चलते हैं, और फिर देखते हैं कि इस राइड की अपनी अर्निंग कितनी क्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस राइड पे ना लगभग वहां तक जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट तक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा और देखते हैं आज का सीन कैसा रहने वाला है। बाकी आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को दोस्तों फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सीधा और देखते हैं कि आज का दिन अपना मतलब कितने पैसों के साथ जो है निकलेगा। ठीक है गाइस, मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ, और लखनऊ में ना अपने साथ में जो है भैया को लेके आ गया हूं मैं, और जैसे ही फ्लाइट आएगी फिर भैया को लेके चलेंगे अंदर। भैया कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी कॉर्डली, वेरी फ्रेंडली, बहुत शानदार। तो भैया अच्छा आपको याद है कि आप हमसे कब मिले थे? हम तुमसे मिले थे शायद आज से 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले मैं ओला से नहीं आई थी ना आपकी राइड? नॉर्मल आई थी, उबर से आई थी, उबर से। हाँ, उबर सबसे पहले उबर से ही आई थी। उस टाइम हम उबर बहुत चला रहे थे, उसके बाद फिर मेरी उबर की आईडी दोस्तों हैक हो गई, और उसके बाद फिर हम उबर के कोई भी कस्टमर नहीं काट पाए। फिर हमने ओला के कस्टमर को काटना शुरू किया भैया। फिर अपना शुरू। तो दोस्तों अभी ना हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, और जैसे ही फ्लाइट आएगी फिर हम लोग अंदर जाएंगे, और अंदर के बाद फिर हम लोग सीधा कानपुर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो समय है ना वो हो रहा है 5:30, और मैं कानपुर पहुंच चुका हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मुझे इतना टाइम लग क्यों गया। बात ये थी ना कि मुझे तो भैया को वहां से लेके आना था कानपुर, लेकिन सीन क्या हुआ यार, भैया का थोड़ा सा काम था, तो उसकी वजह से उनको जैसे ही फ्लाइट आई तो उन्होंने लिया मतलब भाभी को वहां से लेके, फिर हम उनको लेके गए लुलू मॉल के पास में, और लुलू मॉल के पास उनका 1.5 घंटे का काम था, तो भाई वो निपटाया उन्होंने, वो निपटाने के बाद फिर हम लोग कानपुर आए। तो इसकी वजह से ना दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग गया, क्यों, क्योंकि भाई एयरपोर्ट से पहले लुलू मॉल के पास गए, फिर वहां पे 1.5 घंटे का काम, फिर वहां से वापस, तो ये सब थोड़ा सा ट्रैफिक व्रैफिक ले करके जो है टाइम हो गया आज अपना ज्यादा। और दोस्तों अगर अर्निंग की बात करें ना, तो भाई 2500 रुपए लिए हमने भैया से, ठीक है, कम लिए यार। दूसरी चीज जो गैस मेरी लगी ना, वो भाई पूरी टंकी लग गई, मतलब 750 रुपए की गैस लग गई है भाई, और उस 750 रुपए की गैस में ना मतलब बची ही नहीं है भाई बिल्कुल, आप ये मान लो। मेरी इस समय प्रेजेंट टाइम पे भाई सुबह फुल थी, और अभी ना भाई रिजर्व पे लगी हुई है, ठीक है, तो भाई पूरी खत्म हो गई। उसका रीजन ये था कि गर्मी थी ज्यादा यार, तो एसी ज्यादा तेज चला, 3 नंबर 4 नंबर पे चला, तो इसकी वजह से ना यार भाई गैस ज्यादा लग गई अपनी, ठीक है। और इसी के साथ ना भाई 150 रुपए का टोल भी लग गया यार, मतलब वो तो लगता ही है उसमें क्या ही इतना वो होना है ना। तो 750 की गैस, 150 का टोल, हो गया अपना 900 रुपए भाई। मतलब आज की जो लखनऊ की ट्रिप है ना भाई, वो भाई दिन भी पूरा लग गया यार, ठीक है, मतलब गैस भी ज्यादा लग गई यार, बचत केवल और केवल भाई 1600 रुपए की आई है, मतलब 2500 में 900 रुपए का खर्चा अगर हटाएंगे ना हम लोग, तो भाई 1600 रुपए बचेगा केवल और केवल, और भाई यही अपनी आज की बचत है यार दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा भाई कुछ नहीं बचा, मतलब 1600 बचा यार, ठीक है, लेकिन कोई नहीं यार, 1600 बच गया, बढ़िया है, कोई बुरा तो है नहीं, है ना ब्रो। और इसी के साथ में ना मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने एक सब्सक्राइबर भैया है जिनका नाम है शैलेंद्र कुमार, तो शैलेंद्र कुमार भैया जो थे ना, उनका एक सवाल था कि हम लोग कौन सा परमिट लें जिससे कि हम किसी भी अदर स्टेट में अपनी गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शैलेंद्र भैया हम आपको बताना मतलब बता रहे हैं कि अगर आप ऑल इंडिया परमिट लेते हैं ना, तो ऑल इंडिया परमिट में जो है आप
किसी भी अदर स्टेट में ओला उबर चला सकते हैं। लाइक अगर आपने जो है ऑल इंडिया ले लिया तो आप यूपी में भी चला सकते हैं, यूपी के कानपुर, लखनऊ, आगरा, बागरा कहीं पर भी चला सकते हैं। फिर आप उस गाड़ी को लेकर दिल्ली भी चले जाएंगे तो वहां पर भी चल जाएगी, फिर आप उस गाड़ी को लेकर मुंबई भी चले जाएंगे तो वहां पर भी चल जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर आपको किसी भी अदर स्टेट में गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया परमिट लेना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि अगर हम केवल ऑल यूपी लेते हैं परमिट और केवल या ऑल इंडिया परमिट लेते हैं तो इन दोनों की फीस में कितना फर्क है, तो मैं बता दूं आपको, अगर चाहे आप ऑल यूपी लीजिए चाहे आप ऑल इंडिया लीजिए, कोई बहुत ज्यादा अंतर है ही नहीं, मतलब 500,000 रुपए से ज्यादा का अंतर ही नहीं है। तो इसकी वजह से ना ऑल इंडिया परमिट ही लेना चाहिए। उसका जो खर्चा है साल का वो 500 या 700 रुपए का होता है लगभग, ठीक है, और एक साल का रिन्यूअल का है ये 500-700 जो हमने बताया आपको, तो अपना साल में 500-700 रुपए लगते हैं तो वो रिन्यू भी हो जाता है, तो हमें नहीं लगता कि ऑल इंडिया लेने में कोई उतना ज्यादा लॉस है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। तो अगर आप ऑल इंडिया परमिट लेते हैं तो आप किसी भी अदर स्टेट में गाड़ी चला सकते हो। और इसी के साथ ना समय में बता दूं आपको, समय हो रहा है लगभग शाम का समय है, ठीक है, 5:30 बजने जा रहे हैं दोस्तों। और मैं ना क्या सोच रहा हूँ कि लोकल वोकल चलाएंगे नहीं, 1600 रुपए अपने बच चुके हैं। आज का ब्लॉग काफी छोटा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कल का ब्लॉग अपना बड़ा आएगा, क्योंकि आज कुछ करने को था नहीं यार इतना ज्यादा, तो इसकी वजह से हम क्या ही फालतू का बताएं आपको, क्या ही आपका समय भी खराब करें ज्यादा देर कर डाल के, है कि नहीं दोस्तों। तो अभी ना चलते हैं सीधा घर, ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी दोस्तों चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और देखते रहे ऋषि सिंह ब्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।